नमस्कार दोस्त, मैं आपका फ्रेंड प्रीत भट्टी आज फिर एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैंने दिवाली का मौका है, 24 तारीख है आज, तो आज मैंने एक नया गिफ्ट खरीदा घर के लिए। आप देख ही सकते हैं इस वक्त है मेरे पास भारत की नंबर 1 स्कूटर। यह है TVS का 125 cc न्यू FI फंक्शन टेक्नोलॉजी के साथ जो इनेबल्ड है, और मुझे लगता है इसको लेके मैंने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि मैं लेना चाहता था पहले एक्टिवा होंडा की 125, बट इसके फीचर्स देख के तो मैंने अपना प्लान ही कैंसिल कर डाला। अब जैसे कि मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे ही रहा हूँ, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताना चाहता हूँ एक बार सारी। सबसे पहली बात, इसके अंदर एक फंक्शन आया हुआ है TVS इंटेलिगो। इसके अगर फंक्शन की बात करूँ, इस फंक्शन का सीधे सीधा मतलब ये है कि जब भी आप 15 सेकंड से ज़्यादा गाड़ी को रोकते हो, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा तेल का कंजप्शन है वो थोड़ा कम होता है। अगली बात देखते हैं, बात करते हैं स्पीडोमीटर की। देखो कितना अच्छा स्पीडोमीटर और कितना अच्छा फ्रंट डैश बना रखा है, डैशबोर्ड कितना प्यारा है। स्टार्ट करके देखते हैं इसे, ये नंबरिंग आ गई है, ये सारे सेंसर से इनेबल्ड है। फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक का नोटिफिकेशन है, उसमें टाइम भी है और जितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया जर्नी वो है। इसके शीशे देख लो। तीसरी बड़ी खूबी देख लो कि इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है वो आगे है सर, और फ्यूल टैंक की टोटल कैपेसिटी 6 लीटर है, जिसके अंदर से 5 लीटर तो जो नॉर्मली पड़ता है उसके अंदर 1 लीटर रिजर्व रखा गया है। और इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है वो पैरों पे बना हुआ है आपके, देखो, और वो मेटल बॉडी में है। और इसको स्टार्ट करने का तरीका देख लो, चाबी को पकड़ के ऑफ पे रख के अंदर प्रेस करके राइट हैंड साइड पे घुमाना है। ये देखिए खुल गया। अगली बड़ी खूबी के बारे में बात करते हैं। अगली खूबी ये है कि जो पिछला टायर है वो भी, जो इसके टायर हैं वो भी पीछे वाले भी 12 इंच कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं और अगले वाले टायर भी 12 इंच कॉन्फ़िगरेशन ही रखते हैं। मींस दोनों टायर सेम है। और इसके अंदर इस बार इन्होंने टेक्नोलॉजी इनेबल की है, ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने न्यू इनेबल्ड की शॉकर वाली है। इसके अंदर शॉकर ऑब्जर्वर है, गैस भरी है, जिसकी वजह से अब आपका सस्पेंशन और पहले से भी अच्छा हो गया है। बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट के अंदर क्रोम का अच्छा यूज़ हुआ है। फ्रंट लाइट देखिए कितनी प्यारी है, और फ्रंट भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है। आसपास की जो हेडलाइट है ये सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगती है। ऊपर से यहाँ पे प्लास्टिक वर्क है, ठीक है, ये वाला पार्ट मेटल है, ये भी मेटल है, ये आपका फाइबर है, बहुत अच्छी बैचिंग है। और पीछे भी ये जो बैचिंग में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और पीछे से लोग देखिए कितना अच्छा इन्होंने एरोडायनेमिक बना रखा है। जैसा इन्होंने एरोडायनेमिक इसे आगे रखा है, वैसा इसे पीछे रखा है। और मेरे मन को भागी, नेक्स्ट खूबी की बात करते हैं। नेक्स्ट खूबी के लिए आपको ऑफ पे रख के अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा चाबी को। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपकी डिक्की खुलेगी। डिक्की का स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको। बाप रे बाप, कितना स्पेस है सर। 2 हेलमेट आ जाएंगे आराम से, और कम से कम 4 लोग बैठ के चल सकते हैं। वैसे 4 चलाना मत, कानून के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। अब बात करते हैं इसकी एवरेज की, कि मैंने इसे क्यों लिया। इसकी एवरेज सर अगर होंडा एक्टिवा से कंपेयर कर लूँ ना, तो उससे 6 किलोमीटर ज़्यादा है। कम से कम 50+ एवरेज दे रही है इसकी, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी FI बहुत अच्छी है, बनावट है, कलर है। और इस वक्त ये सब 3 कलर में अवेलेबल है, पहला ग्रे है, दूसरा वाइट है, तीसरा एक ब्लू कलर का आता है करके। और मुझे तो ये अच्छी लगी भाई। अब आपका जो विचार, आप सोच लो, आज दिवाली है, दिवाली के मौके पे मैंने सोचा कोई घर में अच्छा सा टॉय आए। एक बार मैं इसको आपके साथ पुरानी जो मेरी स्कूटी है उससे कंपेयर करके दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए, मैंने अपनी जो पुरानी स्कूटी थी 2016 मॉडल थी, उसके साथ अब न्यू वाली को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आप देख लो कितना फ़र्क है ना। टायर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन टायर की अलग थी, बट बाकी तो सब सेम है। स्पीडोमीटर में फ़र्क आया और सीट में फ़र्क आया, ठीक है ना। इससे इसको मिलाइए और ज़रा इसको मिलाइए। TVS की गाड़ियाँ वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, रिलायबल इंजन होते हैं, कई कई साल चलते हैं। और मैं अगर अपनी स्कूटी की बात करूँ, तो मैं इसको 135,000 किलोमीटर अभी 5 साल में चला चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और इस गाड़ी से भी यही उम्मीद रखता हूँ। इसमें एक सेंसर टेक्नोलॉजी भी सर दी हुई है। अगर जैसे आपका जो स्टैंड है ना, अगर मैंने स्टैंड लगा छोड़ दिया तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टैंड हटाऊंगा तो स्टार्ट होगी, स्टैंड लगा के रखूंगा तो आप कुछ भी कर लेना भैया, स्टार्ट नहीं होने वाली गाड़ी। चलो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, सेफ्टी में फीचर ऐड हो रहा है। और अगली बात करते हैं इसके और फीचर्स में कुछ। अगला जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो टेलीस्कोपिक है, और पिछला भी टेलीस्कोपिक है। ये मैंने बेस मॉडल लिया है, इसके इससे ऊपर एक इससे अपग्रेडेड मॉडल आता है सुपर, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। अब बात करते हैं एवरेज की। ये 110 cc इंजन था, इसकी एवरेज है 59 किलोमीटर और अप्रॉक्स 60 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो कंपनी ने क्लेम किया है वो भी 60 के आसपास ही की है, जबकि रोड पे 55+ ही मिलेगी मुझे पता है। ये चौधरी साहब गाड़ी से बैठने लाग रहे हैं। ये चौधरी साहब को गाड़ी अच्छी लगी है,
ठीक है चौधरी साहब की गाड़ी ये वाली देख लो, सही है, बच्चे भी खुश रहेंगे। आप एक बार TVS पे बिलीव करके तो देखो। इसको मैंने पंजाब में ख़रीदा है टांडे वाले एक सैनी मोटर से, अच्छा रेट मिला है। और इसका इस वक्त जो एक्स शोरूम प्राइस कैश का 1 लाख है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कराएंगे तो आपको 20,000 रुपीज़ पर 2 ईयर के हिसाब से पर मंथ इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड करके देना पड़ेगा। तो शोरूम प्राइस के हिसाब से इसकी रेट भी और बढ़ेंगे। इसको भैया लेना तो अभी ले लो, इसने भारत की सारी स्कूटियाँ फेल कर दी हैं।